दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के दो नए अपडेट्स के बारे में और उस अपडेट्स में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि वो फीचर्स क्या हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन सभी वीडियोस को देख सके। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पेटीएम के पहले अपडेट में। दोस्तों पेटीएम के पहले अपडेट में इनबॉक्स का फीचर ऐड किया गया जिसमें आप गेम्स भी खेल सकते हैं और उसके अलावा आपको इस पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ उसमें आपको ऑर्डर्स की भी सुविधा मिल जाएगी, यानी कि आप चेक कर पाएंगे कि आपने आपके ऑर्डर्स का स्टेटस क्या है, अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है पेटीएम साइट से या फिर अगर आपने कोई बिल पेमेंट या फिर आपने रिचार्ज किया तो उसका स्टेटस भी आप इसी इनबॉक्स के अंदर चेक कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे जो बेस्ट और सबसे बेहतरीन फीचर जो आया है इनबॉक्स के अंदर दोस्तों वो है चैट फीचर। जी हां दोस्तों, आप व्हाट्सएप हाइक वगैरह की तरह किसी भी आप चैट एप्लीकेशन के तरह पेटीएम पर भी आप चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ। और दोस्तों इसमें एक नया फीचर ये भी है कि अगर आप किसी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव को, किसी को आप पैसे सेंड करना चाहते हैं पेटीएम के थ्रू या फिर कोई फ्रेंड या रिलेटिव ट्रांसफर करना चाहता है मनी पेटीएम के थ्रू, तो आप इस चैट के अंदर ही यानी कि आप चैट करते करते भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा फीचर है ये पेटीएम का। और दोस्तों अब हम अगले अपडेट की बात करते हैं यानी कि जो सेकंड अपडेट। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के अंदर दो अपडेट आए हैं पेटीएम के अंदर, यानी कि जो सेकंड अपडेट आया है सेकंड अपडेट में आपको भीम यूपीआई मिल रहा है, यानी कि दोस्तों अब आप पेटीएम ऐप को एज अ यूपीआई ऐप भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी अपने बैंक से किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप अपने यूपीआई अकाउंट में यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में किसी से भी आप पेमेंट मंगा सकते हैं अगर आप मंगाना चाहते हैं। तो दोस्तों एज अ यूपीआई ऐप की तरह भी अब आप पेटीएम ऐप को यूज कर पाएंगे। इस पे आपको बैंक भी मिल रहा है, पेटीएम का वॉलेट भी मिल रहा है और दोस्तों पेटीएम बैंक और वॉलेट के अलावा इस पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो दोस्तों काफी अच्छे अपडेट आए हैं, एक ही हफ्ते के अंदर ये दो अपडेट आए हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।